बुधवार का सेक्टर 22 में पंचकर्मा केंद्र उद्घाटन समारोह पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत व निगम पार्षद के द्वारा किया गया, जिसमें डीसी जोन चेयरमैन सहित इलाके के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूर्व महापौर रही पार्षद कमलजीत सहरावत ने कहा, कोरोना काल में आयुर्वेदिक दवाइयों ने लोगों को बहुत राहत दी, अब जरूरत आन पड़ी है लोगों के इलाज आयुर्वेदिक पंचकर्मा द्वारा होने की और सेहत अच्छी रहेगी। इसी को लेकर द्वारका में पंचकर्मा केंद्र का उद्घाटन किया गया। आइए हम सुनाते हैं पूर्व महापौर निगम पार्षद कमलजीत सहरावत व अन्य ने क्या कुछ कहा। आज की डेट में जो बीमारियों का रूप बदल रहा है, एलोपैथी दवाइयों को एकदम से दबा देती है, उसको लेने से आराम होता है, बट जड़ से नहीं होती है। पंचकर्मा जो विधि है वो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, और उससे भी बड़ी बात है कि स्वस्थ रहने में मदद करती है। हाइपरटेंशन हो गया, आपकी आर्थराइटिस हो गया, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो रेगुलर ट्रीटमेंट मांगती हैं। तो ये पंचकर्मा सेंटर खेड़ा डाबर में पूरा हॉस्पिटल है, लेकिन वो बहुत दूर भी था, और जो ये मेरा पंचकर्मा सेंटर यहाँ पे बना है, इसमें हमने ध्यान रखा है कि इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से, तो मुझे लगता है आने वाले समय में द्वारका और आसपास के लोगों के लिए ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और सब लोग यहाँ पर अपनी जो भी समस्या उनको लेकर आएंगे और 100% उनको इससे आराम मिलेगा। आयुर्वेदिक फिजिशियन जी, आज ये पंचकर्मा का उद्घाटन हुआ जी सर, किस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया? सर, ये SDMC का हॉस्पिटल नया खुला है द्वारका सेक्टर 22 में, पंचकर्मा हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपीज़ होती हैं। अगर आपने सुन रखा हो, इसमें पाँच तरह की थेरेपीज़ मेन उनकी सब थेरेपीज़ होती है। मेनली जैसे ये जॉइंट प्रॉब्लम्स हो गई, अर्थराइटिस हो गई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, इन सब में आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स होते हैं। उसके लिए जो है हमने ये SDMC ने ये पंचकर्मा हॉस्पिटल पूरा खोला है। नॉर्मल OPD तो होगी, प्लस जिन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनका पंचकर्मा प्रोसीजर करवाया जाए। ये आने वाले समय में बहुत एक वरदान साबित होने वाला है ये सेंटर, और सही मायने में ऐसा सेंटर पंचकर्मा सेंटर पूरा दिल्ली में नहीं है। इनफैक्ट प्राइवेट सेंटर में भी हम जैसे देखते हैं बहुत फ्लैट टाइप के छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन ऐसा इतने बड़े लेवल पे पंचकर्मा सेंटर पूरी न्यू दिल्ली में नहीं है। किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे? ना लगभग जैसे जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, और हर तरीके से बेसिकली जो भी क्रोनिक डिजीज़ हैं उनका बहुत ही उत्तम प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। आज के इस प्रोग्राम में पंचकर्मा का जो यहाँ पे द्वारका सेक्टर 22 में जो ये केंद्र खुला है, मैं सभी द्वारका निवासियों का इस पंचकर्मा केंद्र खुलने में हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और इस धन्यवाद के जो पात्र हैं हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी, जो पूर्व में मेयर और वर्तमान में जो इधर सेक्टर द्वारका में 38 की निगम पार्षद हैं, उनके कर कलमों द्वारा आज जो इस पंचकर्मा का केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है, ये एक ही सराहनीय और एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो हमारे पूरे दिल्ली के जितने भी जो द्वारका हाउस में शायद ही ऐसा कुछ मैंने तो देखा नहीं है, शायद ऐसा हो मुझे नहीं लगता। अगर हमारे आसपास अगर देखा था, जो चरक हॉस्पिटल आपने सुना होगा जाफरपुर कला, इसमें खेड़ा डाबर में जो दिल्ली देहात में जो एशिया का सबसे बड़ा है, उसके बाद अगर कोई पंचकर्मा का अगर कोई केंद्र खुला है वो तो द्वारका सेक्टर 22 में, और वो बहन कमलजीत सहरावत जी के अथक प्रयासों और कर कलमों द्वारा खुला गया है, उसको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जो ये पंचकर्मा का सेंटर का उद्घाटन हुआ है द्वारका क्षेत्र में श्रीमती कमलजीत सहरावत जी के द्वारा, व उनकी टीम को मैं बधाई देती हूँ जिन्होंने ये सराहनीयपूर्ण कार्य किया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मैं पहली सदस्य हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैं पहली सदस्य हूँ जिसने ये आज बुकिंग की है। और बुकिंग सर सिर्फ केवल 5 रुपये में मैंने की है। ये आप ये सोचिए 5 रुपये क्या होते हैं, तो 5 रुपये में मैंने ये बुकिंग की है। ये जो पेपर है, ये जो 5 रुपये में आज सर ये बुकिंग हुई है, इसमें मैं ये कराना चाहूँगी कि जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमें परेशानियाँ हैं वो कंसल्टेंसी होगी केवल 5 रुपये मात्र में। फिर एक्सपर्ट्स के द्वारा हमें ये गाइड किया जाएगा कि हमें कौन सी थेरेपी लेनी है,
और जो थेरेपी हमें एडवाइस की जाएगी वो भी बहुत रिजनेबल कॉस्ट पे होगी। पहले क्या कितनी कॉस्ट होती थी बाहर अगर प्राइवेट कराएं? जी 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 बिल्कुल, मैं आपके इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बताना चाहूँगी कि अगर बाहर हम इन्हीं थेरेपीज को लें या हम किसी नॉर्मल कंसल्टेंसी को भी लें, वी हैव टू पे एटलीस्ट 5,000-4,000 और एक नॉर्मल सी आपकी थेरेपी के लिए भी आपको 1,500 आपको पे करना ही होगा। आप ये सोचिए कि मुझे ये जानते हुए और बताते हुए बहुत ही हर्ष के साथ मैं इसको कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह का जो कार्य है ये प्रत्येक क्षेत्र में किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुँचेगा और सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये आज की कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत ही अनिवार्य हो गया है। और वैसे भी जो सरकार हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचेगी, जो हमारे विषय में सोचेगी, हम उसके साथ हैं और हम उनके विकास में हमेशा सर्वथा सर्वज्ञ हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।